सो हेलो फ्रेंड्स, दिस वुड बी सेकेंड लेक्चर ऑन असाइनमेंट मॉडल, राइट। पहले लेक्चर में हमने देखा था सबसे बेसिक असाइनमेंट मॉडल, जहाँ पे हमने सिर्फ कॉलम एंड रो मिनिमा ऑपरेशंस किए थे, राइट। सेकेंड प्रॉब्लम्स में हमने देखा था कि और जो एडवांस टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, जो कि सिर्फ रो एंड कॉलम मिनिमा से सॉल्व नहीं होते, राइट। सो वट इज़ द प्रोसीजर टू सॉल्व दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो हमने टिकिंग एंड कैंसलिंग आउट, देन फाइंडिंग द थीटा एंड सो वो सारे मेथड देखे थे। दैट इज़ अ रेगुलर मेथड दैट वी हैव टू डू एवरीवेयर, राइट। बट वो जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्टेप्स बताए थे, राइट, वो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको नाम बताना भूल गया था। दैट होल स्टेप इज ऑल्सो कॉल्ड एज हंगेरियन मेथड, राइट, डेवलप्ड बाय मिस्टर हंगरी। तो हंगेरियन मेथड इज द नेम ऑफ दोट दैट सेट ऑफ रूल्स और द सेट ऑफ स्टेप्स फॉलोड टू सॉल्व एन असाइनमेंट कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट प्रॉब्लम, राइट। सो अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड लेक्चर में वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप। आई विल रीड द प्रॉब्लम, द कॉस्ट मैट्रिक्स यू कैन सी ओवर हियर। द प्रॉब्लम स्टेट्स दैट देर इज अ कंपनी विच हैज़ अ टीम ऑफ फोर सेल्समैन, दैट इज ए बी सी एंड डी। देर आर फोर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट 1, 2, 3, 4, राइट। The company wants to start its business in these four districts. After taking into account the capability of these salesmen and the nature of the district, the companies estimate that the profit per day in rupees for these all salesmen in these specific districts is mentioned in the cost matrix, right? So find the assignment of these salesmen to various districts in such a way which will yield the maximum profit to the company, right? So the objective is pretty clear that the we have to maximize the profit. ये जो आपको देख रहा है ना, this is the cost. I repeat, अब मैं एक बार matrix पढ़ के आपको बता देता हूँ. So there are four salesmen. Salesman A जब है, वो जब district वन में काम करेगा तो वो 16 rupees का profit देगा company को, जितना भी business करे, right? पर यूनिट प्रोडक्ट जो उसका सेल्स रहेगा, दैट विल बी 16 रुपीज़। अगर उसको मैं डिस्ट्रिक्ट टू में भेजता हूँ, ठीक है। नाउ दिस अलॉटमेंट, ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स है, हमको ये नहीं सोचना है कि वाई दिस इज 16 एंड वाई दिस इज 10। मे बी 16 इसलिए बिकॉज दिस वुड बी नियरर टू हिज होम और एनीथिंग, देर आर वेरियस कंस्ट्रेंट्स विच कैन बी अप्लाइड, ठीक है। बट वी डोंट हैव टू कंसिडर दोज थिंग्स, ठीक है, कि यहाँ पे 16 क्यों, यहाँ पे 10 क्यों, क्योंकि अगर सेल्समैन वही है तो वो तो सेल सब जगह सेम देगा, दिस इज नॉट पॉसिबल ना। अगर सपोज ये डिस्ट्रिक्ट इज नियरर टू हिज होम तो वो जल्दी पहुँचेगा, मे बी वाइस वर्सा। सो उस हिसाब से कॉस्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। बी अगर चारों डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा, सो ही विल सेल 14, 11, 15, 15 पर अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रिक्ट। सिमिलरली सी का जो है 15, 15, 13, 12, और सेल्समैन डी का परफॉर्मेंस चार डिस्ट्रिक्ट में होगा 13, 12, 14, 15, राइट। ओके, नाउ दिस इज अ मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम एलोकेशन इस हिसाब से करना है जहां पे मैक्सिमम वैल्यू को मैं एलोकेट करूं, बिकॉज कॉस्ट है, सेल्स बढ़ाना है ना हमें। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो इट इज़ वेरी इजी, ठीक है, डोंट वरी कि ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। करना सिर्फ ये है, देखो हमको टारगेट क्या करना है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू को टारगेट करना है, ठीक है, जो 16 को एलोकेट करना है। अब हम लोग अगर प्रीवियस प्रॉब्लम देखोगे तो हम लोग टारगेट किसको करते हैं, ज़ीरो को, राइट। तो मैं इसको टारगेट करूँगा, इसको ज़ीरो बनाना है जो मैक्सिमम है। सो मिनिमाइजेशन में आपको मिनिमम वैल्यू से रो को या कॉलम को रिड्यूस करना रहता है, सिमिलरली मैक्सिमाइजेशन में मैक्सिमम वैल्यू से रिड्यूस करना है, दैट्स इट। देर इज़ नो हार्ड फास्ट रूल अदर देन दिस, ठीक है, बस यही सिंपल है। सो मैं वापस से एक बार बना के दिखाता हूँ मैट्रिक्स नया। ओके, 1, 2, 3 and 4. ओके, सो 16 दिस बिकम्स 0, ठीक है, दिस बिकम्स
अभी आप बोलेंगे कि -6 होना चाहिए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट नंबर, ठीक है। हमको ये नहीं देखना है कि वो माइनस है या प्लस है, सो डिफरेंस बेसिकली आपको हमें लिखना है। सो 10 और 16 में क्या कितना डिफरेंस हो जाएगा, 6 का हेयर 2 एंड हेयर 5, राइट। हमें क्या ध्यान देना है, सी वी जस्ट हैव टू टारगेट जीरो, तो इसीलिए हम लोग मैक्सिमम नंबर से कर रहे हैं, ठीक है। डोंट राइट माइनस, सिर्फ डिफरेंस लिखना है हमें। अब सेकेंड रो अगर हम लोग देखेंगे, सो मैक्सिमम वैल्यू 15, सो दिस बिकम्स 1 4 0 0, हियर द मैक्सिमम इज 15 अगेन, 0 0 2 एंड 3, हियर द मैक्सिमम इज 15, सो अगेन 2 3 1 एंड 0, राइट। वेरी सिंपल, ओके। नेक्स्ट, अब अगर कॉलम ऊपर मिनिमा करें तो इफ़ यू कैन सी हर एक कॉलम में ज़ीरो है, सो देर इज़ नो नीड टू डू परफॉर्म अ कॉलम मिनिमा ऑपरेशन, ठीक है। सो एक बार मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप आपको हमेशा देखना है, वेरीफाई करना है वेदर इट इज़ अ स्क्वेयर मैट्रिक्स और नॉट। सो इन दिस केस वी हैव गॉट ऑलरेडी गॉट अ स्क्वेयर मैट्रिक्स, राइट, तो हमको वो तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सेकेंड स्टेप है, अभी मैं आपको इसके बाद जो सेकेंड प्रॉब्लम लूँगा उसमें मैं आपको एक अनस्क्वेयर मैट्रिक्स को स्क्वेयर में कन्वर्ट करके, ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। तो फॉर द टाइमिंग ऑलवेज वेरीफाई बिफोर स्टार्टिंग वेदर इट इज़ द स्क्वेयर मैट्रिक्स और नॉट, ठीक है। स्क्वेयर नहीं है तो उसको स्क्वेयर बनाना है। सेकेंड स्टेप जो रहेगा वो रहेगा मैट्रिक्स रिडक्शन, ठीक है। सो रिड्यूस द मैट्रिक्स, राइट। सो आप इसको रो और कॉलम मिनिमा को जो मैंने बताया आपको मेथड वो अप्लाई करना है, ठीक है। अभी रिड्यूस मैट्रिक्स में यहाँ कॉलम मिनिमा, मिनिमम नंबर नहीं लेना है मैक्सिमाइजेशन में, ठीक है, मैक्सिमम नंबर लेना है। आप उसको याद रखने के लिए कॉलम मैक्सिमा बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू को सिर्फ कंसेप्ट याद रखना, मैक्सिमम में मैक्सिमाइजेशन में वो मैक्सिमम वैल्यू लेना है बस, ठीक है। स्टेप थ्री जो रहेगा वो रहेगा चेक इफ ऑप्टिमल असाइनमेंट कैन बी मेड इन करंट फीजिबल सॉल्यूशन और नॉट, ठीक है। तो ये अभी मिल गया मुझे, अभी मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ फाइंड करना है कि मैं इसको ये जो फीजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है, सारे कॉलम और रो मिनिमा के बाद डेफिनेटली 99% ऑफ द टाइम यू विल गेट अ फीजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। आप अलॉटमेंट कर सकते हो बट दैट वोंट बी अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको ये फीजिबल सॉल्यूशन में फाइंड करना है कि यहाँ पे ऑप्टिमलिटी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि चार असाइनमेंट कर सकते हैं इन सच ए वे कि कोई भी ऐसा रो और कॉलम में जो असाइनमेंट्स है वो रिपीट ना हो, ठीक है। सो उस हिसाब से अगर असाइनमेंट कर सकते हैं तो वी विल गेट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर नहीं कर पाएंगे सो हमको इसके बाद जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे स्टेप्स, ठीक है, टिकिंग एंड क्रॉसिंग फाइंडिंग थीटा, वही पूरा स्टेप वापस करना है, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ विद दी सॉल्यूशन। अभी मैंने ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम लिया था क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन था इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमको मिल जाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सी फर्स्ट रो सेकेंड रो लीव करेंगे मल्टीपल जीरोज़ है, थर्ड रो भी लीव करेंगे मल्टीपल जीरोज़ हैं, फोर्थ रो आएंगे, सॉरी थर्ड रो यहाँ पे एक बार जीरो असाइन किया तो रो में ज़ीरो नहीं है पर कॉलम में, तो इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, राइट। एक मिनट, 3 2 1 इट इज़ 0, ओके। सो अगर जैसे ही मैं सेकेंड में मल्टीपल जीरोज़ है तो नहीं टच करूँगा, थर्ड में एक ही ज़ीरो है तो आई विल डू एन असाइनमेंट, राइट। अब यहाँ पे रो और कॉलम में ज़ीरो नहीं है, एक है था लेकिन वो कैंसिल आउट हो गया। नाइन आई विल चेक फॉर फोर्थ, फोर्थ में वी हैव गॉट ओनली 1, सो आई विल असाइन, सॉरी, राइट। एंड नाउ इफ वी हैव मेड असाइनमेंट ओवर हियर, नो ज़ीरो बट इन कॉलम देर इज़ अ ज़ीरो, आई विल कैंसिल इट आउट, ओनली आई लेफ्ट विथ ओनली 1 0, दैट टू आई विल असाइन। एंड द सेम वे
I have reached an optimal solution. See, first row one solution, first column one assignment, sorry, second में third column and second row one assignment, second row and third column one assignment, and fourth row fourth column. So each row and each column has only one assignment. That means it is an optimal solution. So what I am going to do, I am going to find the maximum total sales by or the assignment, right? So A को हम लोग district 1 में बेचेंगे. Total sale is equal to, this is 16 plus. So guys, in the exam how you can do is, you can write like this, ठीक है? A has been allotted or allocation has been done to district 1. Similarly B को district 3 कर दिया है, ठीक है? तो ये लिखने के बाद then you have to add total sales, हमको add करना है. So 16, 15, 15 and 15, 3 is 45 plus 16 is 15, 4 is 61. So total sale would be 61, right? Similarly C को हमने allocate किया है 2 और D को allocate किया हुआ है district 4, right? So in the same way, allocation, you can write allocation as follows, and you have to write this, then total sale, you have to add this, all these allocations like 16, 15, 15 and 15, right? And then sum it up to find the final answer. Okay, now we will go to next problem, which would be giving me some other kind of difficulty. Okay, now another problem, question number 2 for this lecture would be, there are 4 new machines in a company, right, and 5 vacant places denoted as A, B, C, D and E, right. So, मैंने आपको बताया था, I am going to take a non-square matrix, right, and I am going to solve it, but here I have taken a problem in which there are two difficulties, right, or two kind of complexities. So how that this problem is very ideal, because this will give you an idea how to solve these kind of problems where there are multiple types of complexities. Okay, so I'll write the cost value matrix, which is 4, 6. I'll read out the problem later on for you all. Okay, so this is the cost matrix, great. So I will read the problem. 4 new machines M1, M2, M3, M4 are to be installed in a machine shop, right? So there is a machine shop and these are 4 machines which need to be installed in the machine shop. There are 5 vacant places. Now A, B, C, D, E are the vacant places, right? Because of the limited space, machine M2 cannot be placed at place 3. So see, there are 5 vacant places, but each vacant places have its limitation. Like machine 2, which is comparatively bigger than all the machines, can't be placed in at place C because it is comparatively maybe smaller than all of this, right? So M2 ko yahan pe place nahi kar sakte, ek restriction hai, right? Second, M3 cannot be placed at space A with it. The same scenario, M3, theek hai, machine is hisab se hai because wo place A pe fit nahi ho sakta, right? The assignment cost of machine, right? Basically, these are the assignment cost of machine while placing to the specific workplace, right? So, machine ko yahan pe setup karne ke liye itne ka kharcha aayega, yahan pe setup karne ke liye itne ka kharcha aayega. It could be in rupees, right? Maybe in rupees or 100 rupees or anything. So, we are only concerned with these numbers. So,
Have you understood like what is this? This is placing the cost of placing machine M1 to place A, right? Similarly, for placing machine M1 to place B, it's 6, right? So don't judge how this came, because ठीक है, हर एक space के different requirement होती है, ठीक है? कहीं पे आपको already machine फिक्स्ड मिल जाएगा, प्लेस मिल, तो वी आर नॉट इनटू दैट कि वो क्या है, ये कॉस्ट कैसे बना है, ठीक है? व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज़ कि मशीन के ये कॉस्ट है, ये डेस्टिनेशन पे प्लेस करने के लिए, फिक्स करने के लिए, ठीक है, या माउंट करने के लिए. खाली ये दो जो है जगह, यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू नहीं पुट कर पा रहे, बिकॉज वहाँ पे मशीन को हम लोग फिक्स ही नहीं कर सकते, ठीक है? तो वहाँ पे डैश है, राइट? सो हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल. Now, what is optimal assignment schedule? We have to fix all these machines in such a way कि जो सबसे कम माउंटिंग या असेंबलिंग कॉस्ट मुझे दे, कंपनी को दे, जो कंपनी को सबसे सस्ता पड़े, राइट? सो अब यहाँ पे देखिए, दो टाइप के प्रॉब्लम है. यहाँ पे ये सबसे पहला प्रॉब्लम है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ असाइनमेंट्स, दिस एंड दिस असाइनमेंट्स वैल्यू हैव नॉट बीन गिवन बिकॉज देर इज अ रिस्ट्रिक्शन, आई कॉन्ट डू दैट, राइट? सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट इन दिस प्रॉब्लम इज this is non square matrix, right? So step one would be prepare a square matrix. So I have already told you how to prepare a square matrix. Just find out whether there is a column, minimum number of column or row, which is greater or, right? So in this, here we have a number of columns which is greater than number of rows. So we have got 5 columns and 4 rows. So we have to add one more row to make it a square matrix, right? So I will add one row which is an artificial row. So I will call it as a dummy. It is created by me. There is no machine, fifth machine present, right? That is created by me just to make it a square matrix so that my assignment model can be implemented for solving this problem. Now, what would be the value of these dummies? So there is no machine as of now. So there is no machine as of now, right? कोई machine ही नहीं है ना, ये तो dummy है. तो dummy को place करने के लिए ये पे कितना cost आने वाला है? Zero. तो सारे वैल्यू ज़ीरो होंगे बिकॉज देर इज़ नो मशीन, ठीक है? तो ये वैल्यू ज़ीरो रहेंगे, बाकी के वैल्यूज एज इट इज़ लिख देना है. 4, 6 गाइस, आई कैन डू कॉलम मिनिमा इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ इट, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ स्पेस और रिपीटेटिव वर्क, राइट? सो आई विल परफॉर्म अ कॉलम मिनिमा इन दिस ओनली, रो मिनिमा सॉरी, बिकॉज अगर डमी डाल दिया है मैंने, ठीक है, तो कॉलम मिनिमा तो परफॉर्म नहीं करेंगे बिकॉज कॉलम मिनिमा हम लोग देखते हैं आगे, पहले रो मिनिमा परफॉर्म करते हैं. तो क्योंकि मुझे कॉस्ट कम करना है, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, सो आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ मिनिमा ऑपरेशन. मिनिमम इज़ 4, सो दिस मेक्स इट एज 0, दिस एज 2, दिस एज 6, सो 1 एंड 2, करेक्ट? नाउ हियर द मिनिमम इज okay. Before going ahead, I will tell you, just don't write this dash. You can replace this dash with infinity, okay? This is the standard procedure that we need to do. Infinity is very large number, so company obviously will not opt for any cost which is very large, ठीक है? तो dash को, because math जो है वो, maths का algorithm जो है वो dash को तो पहचानेगा नहीं, ठीक है? पर वेरी लार्ज नंबर को पहचानेगा और उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसको वो सेलेक्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट करेगा वो वैल्यू को. सो हम लोगों ने एकदम बड़े वैल्यूज डाल दिए यहाँ पे, ठीक है? इसलिए वो इस हिसाब से डाले कि यहाँ पे एलोकेशन हो ही नहीं, ओके? सो मिनिमम वैल्यू देखेंगे. हाँ, अभी आप मैक्सिमाइजेशन में ये नहीं करना कि इन्फिनिटी से माइनस करना, ठीक है? तो आपको इन्फिनिटी आएगा, सो इन्फिनिटी को उस केस में आप छोड़ देना, ठीक है? और बाकी सब वैल्यूज़ के हिसाब से सॉल्व करना, ओके? बिकॉज यहाँ पे कुछ भी चेंजेस आता है, इन्फिनिटी माइनस टू, इन्फिनिटी प्लस टू इज़ नॉट गोइंग टू चेंज दिस. सो इसको ऐसे ही रखना, कॉलम और रो मिनिमम इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन, ओके? हम लोग यहाँ पे थे रो टू में.
सो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इज़ 4, सो 3, 0, 1 एंड 0। सिमिलरली यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 2 है, तो ये बन जाएगा 4, 7, 4 एंड 0। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है 2, तो दिस बिकम 7, 1, 5, 0, 1 एंड हियर द मिनिमम इज 0, राइट। सिमिलरली अब देखते हैं कॉलम मिनिमा करते हैं, सो देखिए अभी हर एक कॉलम में 0 है, सो मिनिमम वैल्यू क्योंकि 0 है तो आप इसको अगर रेड्यू सब्ट्रैक्ट भी करोगे किसी भी वैल्यू, सो यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो वी हैव परफॉर्मस रो मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा ऑपरेशन, ठीक है। सो स्टेप 1 प्रिपेयर स्क्वेयर मैट्रिक्स एंड आई वुड राइट स्टेप 2 विच इज रो एंड कॉलम मिनिमा, राइट। सो वी हैव परफॉर्म दैट ऑल्सो। नाउ द स्टेप 3 वुड बी, इट वुड बी एलोकेशन, राइट। सो एलोकेशन स्टार्ट करें, सो मैं उसके लिए यही मैट्रिक्स लेता हूँ पहले। देखिए फर्स्ट रो वेरी सिंपल, यहाँ पे एलोकेशन कर दिया मैंने, अभी यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया और कोई ज़ीरो नहीं है। आई विल कम टू सेकेंड रो, देर आर मल्टीपल ज़ीरो, लीव दैट रो। थर्ड रो देर इज़ ओनली 1 0, सो एलोकेट, कैंसिल दिस, कैंसिल दिस, राइट। फोर्थ रो आ जाते हैं, एलोकेशन करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। फिफ्थ रो आ जाते हैं, मल्टीपल ज़ीरोज़ है भाई, छोड़ दो, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉलम में, पहला कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, इसको कर देंगे एलोकेशन और इसको कट कर देंगे। थर्ड कॉलम में आएंगे, देर इज़ ओनली 1 0, सो एलोकेशन करेंगे, राइट। नाउ काउंट द नंबर ऑफ एलोकेशन, 1 2 3 4 5, 5 लोकेशंस एंड 5 नंबर ऑफ मशीन एंड प्लेसेस। तो बेसिकली आई हैव रीच्ड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वेरी सिंपल। सो स्टेप 3 फाइंडिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सो वी हैव रीच्ड दिस ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन दिस बेसिक फिजिबल इन ओनली वन स्टेप। वी हैव नॉट परफॉर्म्ड अ टिकिंग एंड क्रॉसिंग ऑपरेशंस, राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द असाइनमेंट, M1 to A, M1 को A पे रखेंगे, M2 को रखेंगे जगह B पे, M3 को रखेंगे हम लोग E पे, E के प्लेस पे, और M4 को रखेंगे D पे, C पे कुछ भी नहीं रहेगा। सो प्लेस C वुड बी एम्प्टी एज देयर वोंट बी एनी मशीन्स, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट इनकर्ड देख लेते हैं, देखिए कॉस्ट इनकर्ड कितना आ रहा है। सो दिस इज 4 4 8, 8 प्लस दिस, राइट। सो 8 प्लस 6 इज 14, प्लस थर्ड वन, सॉरी 4 4 8, देन वी हैव टू लीव सी, राइट। डी को जो है हम लोग M4, सो डी इज ओके, सो 4 4 8 प्लस 2 10, 10 and this is M3 2, so 10 plus 2 is 12, so total cost incurred is 12 rupees, right. So in this way we have to solve a problem on restrictions, ठीक है। कहीं पर अगर restriction मिल गया तो उसको ऐसे solve करना है। Second, अगर हमको unsquare matrix मिलता है जहाँ पर square नहीं है, ठीक है, सो वहाँ पे हमें डमी ऐड करना है, आइदर इन रो और आइदर इन कॉलम, एंड वी हैव टू परफॉर्म द सेम थिंग, ठीक है। अगर इस प्रॉब्लम में इफ़ यू सी, वी हैव टू परफॉर्म द इटरेशन हंगेरियन मेथड, विच लकीली वी डोंट हैव टू, ठीक है। वी हैव रीच द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन वेरी इजी वे, बट अगर हमें वो परफॉर्म करना रहता तो डोंट एवर कन्फ्यूज हाउ टू डू ऑपरेशन ऑन दिस डमी, राइट। जैसे आपका रहेगा अनटिक्ड रो, ठीक है, अनटिक्ड रो को आपको क्रॉस करना है तो ऐसे ही ये भी क्रॉस होगा, क्योंकि ये यहाँ पर एलोकेशन कोई रहेगा नहीं इनिशियली, सो आप इसको टिक नहीं करोगे तो इसको क्रॉस करना आप, ठीक है। बाहर चीज़ यहाँ पर भी ऐड करना है, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो यू हैव टू ऐड द वैल्यू ऑफ थीटा, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है और लाइन भी नहीं है तो यू हैव टू सब्सट्रैक्ट, बट यहाँ पे जीरो से सब्सट्रैक्ट करोगे तो कंडीशन जो हमेशा लीनियर प्रोग्रामिंग में रहता है कि आपके कॉस्ट कंपोनेंट कभी भी नॉन नेगेटिव होने चाहिए,
तो नेगेटिव में जाएंगे, नहीं तो उस केस में आप जीरो को जीरो ही लिखना रादर देन माइनस एनीथिंग, राइट। अगर थीटा टू है तो जीरो माइनस टू नहीं आएगा कभी, वो जीरो ही रहेगा, ठीक है। सो इन दिस नाउ थर्ड क्वेश्चन वुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप और फाइनल टाइप विच यू कैन मे बी फेस एनी वेयर इन एग्जाम, ठीक है। तो ये थर्ड डिफरेंट जो टाइप है या फिर कॉम्प्लेक्सिटी है वो है अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन का, जहाँ पे आप आपको मोर देन वन ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाए। तो इसके लिए भी मैंने बहुत सिंपल से प्रॉब्लम ली है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। अब इसमें देखिए, ये प्रॉब्लम इज़ नॉट अबाउट दिस थिंग, राइट, कि ये प्रॉब्लम क्या कहता है, ठीक है। जस्ट वी हैव टू फाइंड कि अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो उस केस में, मतलब बहुत सारे जीरोज़ हैं, सॉरी, बहुत सारे जीरोज़ हैं तो उस केस में हमको सोल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। सो इसको अगर हम लोग मैं इसको जस्ट इन अ वेरी फास्ट मैनर आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले रो मिनिमा करेंगे, राइट। सो दिस बिकम्स, वन सेकेंड, दिस बिकम्स ज़ीरो वन टू एंड थ्री, दिस बिकम्स ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, मिनिमम ये है, ये भी ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे फोर है तो वन टू एंड थ्री, करेक्ट। यहाँ पे सेवन है तो ये अगेन वन टू एंड वन, और यहाँ पे थ्री है तो दिस बिकम्स टू फाइव एंड दिस बिकम्स वन, राइट। अब कॉलम मिनिमा करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। कॉलम मिनिमा पहला इसमें नहीं करेंगे कॉलम में, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सो आई विल राइट इट डाउन एज इट इज। सेकेंड में वन जो है मिनिमम है, सो यहाँ पे ज़ीरो 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 वन। थर्ड में जो है टू मिनिमम है तो ज़ीरो 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 एंड थ्री, यहाँ पे मिनिमम वन है तो टू टू ज़ीरो ज़ीरो। सो हियर यू कैन सी अ लॉट ऑफ ज़ीरोज, राइट। सो यू विल ऑलवेज प्रे इन एग्जाम कि ये क्वेश्चन आ जाए, बट यू आर नॉट दैट इनफ लकी ऑलवेज। सो देर आर चांसेस कि अगर एग्ज़ाम में 10 मार्क के लिए 8 मार्क के लिए कुछ पूछ रहे हैं तो, बट ऑब्वियसली 100% ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है। सो बट इफ़ यू हैव फाउंड आउट इन ऑप्टिमल सोल्यूशन, अगर आपने बहुत सॉल्व किया और उसके बाद आपको ये ऐसे जीरोज मिल रहे हैं, तो उस केस में आपके हमें क्या करना है, जस्ट सी। नाउ हियर यू कैन सी देर आर मेनी जीरोज। अगर आप रो को लें तो हर रो छोड़ना पड़ेगा, कॉलम को लें तो हर कॉलम छोड़ना पड़ेगा, बराबर। यहाँ पे अभी हमने फर्स्ट वीडियो में जो देखा था तो डायगोनली असाइनमेंट करना है। सो पहला सोल्यूशन ये है, ठीक है। सो आई वॉन्ट राइट इट डाउन, बट आई विल गिव यू द टोटल कॉस्ट दैट इज कमिंग विद दिस। सो 2 + 5 = 7 प्लस 9 इज 16 प्लस 4 20। सो टोटल कॉस्ट इफ द एफ सेलेक्टेड डायगोनल एलिमेंट दैट कम्स आउट टू बी 20, राइट। सेकेंड सोल्यूशन, अब यहाँ इसे हमें लॉजिकल वे से सॉल्व करना, बिकॉज जो मेथड था हमारा वो तो अभी उससे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू सी इट लॉजिकली। तो सबसे पहले जो सबसे कम जीरोज वाले हैं रो, उनको देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ये, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं आइदर आई कैन अलोट अलोकेट हियर और हियर, राइट। सो मैं रैंडमली मन में, आप इसको क्या कर सकते हो, इसको नीचे लिए पेंसिल से करो, अगर आपका लक बैठ गया, मतलब सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं, तो यू कैन लेटर ऑन फाइनलाइज इट विथ पेन, राइट। सो मैं बाय ट्रायल एंड एरर आई एम सेलेक्टिंग दिस, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, इसको क्रॉस करूँगा, इसको इसको और इसको क्रॉस कर दूँगा, ठीक है। अब उसके बाद अगेन देखते हैं तो अगेन वही हालत है। सो अब हम क्या करें, सो उसके बाद हम एक काम करेंगे, मैक्सिमम जीरोस को छोड़ देंगे। कॉलम में अगर हम लोग देखें तो कॉलम में अगर हम लोग को एक कॉलम मिल रहा है जहाँ पे सिर्फ एक ही जीरो है, तो आई कैन ऑल्सो एलोकेट हियर विद कॉलम, ठीक है। कॉलम से मिल रहा है तो मैं यहाँ इसको और इसको कैंसिल कर दूंगा, करेक्ट। सो ये दोनों तो हो गए, अब ये दोनों बचे हैं। तो इसको आप आइदर यू टेक दिस और यू डू इट लाइक दिस, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। सो मैं एक काम करता हूँ, रैंडमली मैं ऐसे ले लेता हूँ, राइट। अब इसका टोटल कॉस्ट हम निकालते हैं कितना है। सो विल ट्राई टू
कंपेयर, तो ये जो है ये वैल्यू 3 है, सो 3 प्लस सेकेंड कॉलम का फर्स्ट वैल्यू विच इज़ 3, राइट, थर्ड कॉलम का सॉरी थर्ड कॉलम का सेकेंड रो, थर्ड कॉलम का सेकेंड रो इज 6, राइट इट डाउन 6, राइट, और फोर्थ कॉलम का थर्ड रो, सो फोर्थ कॉलम का थर्ड रो विच इज 8, राइट, सो हियर द आंसर वुड बी 12 प्लस 8 इज 20, सो सी देर आर मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन हम लोग डायगनली लेते हैं तो भी 20 आ रहा है, और रैंडम दूसरा तरीका भी फाइंड कर रहे हैं तो भी 20 आएगा, तो बेसिकली ये जो एक ये प्रॉब्लम है ये अल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन, जैसे मैंने नाम बताया था, ऐसे सब प्रॉब्लम्स में आपको मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशंस मिल जाएंगे, सो देर इज नो स्पेसिफिक आंसर टू दिस, ठीक है, आप कोई भी एक आपका सोल्यूशन जो है वो सॉल्व करके यू कैन राइट द आंसर एंड इट विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट ऑफ सोल्यूशन, राइट, सो यहाँ पे तो दो तीन सोल्यूशंस है, राइट, आप इसको ये भी अल्टरनेट कर सकते हैं रादर देन दिस एंड दिस, ठीक है, हम ओके वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट दिस, राइट, तो वो भी एक सोल्यूशन मिल जाएगा, तो ऐसे मल्टीपल सोल्यूशंस है, सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज दी लास्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दैट यू कैन सी इन योर और यू कैन फाइंड इट इन असाइनमेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके, सो bye everyone, this is done for the day for the lecture.